रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तबलीग करते हैं, लोग आपकी बात मानने को तैयार नहीं। ये नकीबे महफिल बार बार कहते हैं कि ये काम करो, बच्चे सीधे हो जाओ, वो कर दो। कौम को, अवाम को सीधी राह पे लाना ये बड़ा मुश्किल है। बोलिए, ये बड़ा कह दें कुछ नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए हर नमाज की हर रकत में बंदा पड़ता है, पढ़ नमाज रहा है और कह रहा है इहदिन सिरात मुस्तकीम, कि मुझे सीधे रस्ते पे, क्योंकि उधर सलाम फेरी, दाई तरफ बाई तरफ फेरी, वो बंदा खड़ा है जिससे नफरत करता हूँ तो मैंने मुंह मोड़ लिया, मुंह मरोड़ लिया, उसकी बंदे की नमाज आया। यहाँ मेरी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 184 चौथा पारा मैंने तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को तसल्ली देते हुए फरमाया, प्यारे पैगंबर, अगर इन काफिरों ने आपका इनकार कर दिया है तो आप सब्र और हौसले से काम लीजिए, क्योंकि आपसे पहले हमने जितने भी रसूल भेजे हैं उनकी कौमों ने उनका इनकार किया। हालांकि वो लोग कोई आम चीज लेकर नहीं आए, रब्बे कायनात ने अपने अंबिया को खुद मौजदे भी अदा किए, सहीफे भी अदा किए, रोशन किताबें भी अदा की, पैगंबर की जात भी सामने है, पैगंबर का किरदार भी सामने है, मौजजात भी उनके सामने हैं, रोशन किताबें भी सामने हैं। 40 साल तक हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किरदार पेश किया और 23 साल तक इस कौम की तरबियत की, तब जाकर ये लोग 1 से 1.25 लाख तक पहुंचे। हजरत सैयदना नूह अलैहि सलाम ने 950 साल तक कौम की तरबियत की। आप सूरह नूह का सिर्फ तर्जमा पढ़ के देखें और तन्हाई में पढ़े, आपको हजरत नूह अलैहि सलाम की मेहनत का पता चले कि उन्होंने इस कौम को रही सही डगर पर लाने के लिए क्या क्या कारनामे और कितनी कितनी मेहनत नहीं की। 950 साल में बंदा कितनी मेहनत कर सकता है, देखिए ना, कितनी मेहनत कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में ये आयात नाज़िल फरमाई। हजरत नूह अलैहि सलाम कहने लगे, ए मेरे रब, रब्बी इन्नी दअउतुहुम जिहारन लैलन व नहारा, ए रब्बे कायनात, मैंने रात को इनको तेरे पास बुलाया, मैंने दिन को इनको बुलाया, मैंने इनको सबके सामने तेरी बारगाह में बुलाया, फिर घर जाकर तेरी बारगाह में बुलाया, लेकिन जब मैं तेरी बात करता था ये अपनी उंगली अपने कानों में रख लिया, अपने कपड़ों से अपने आप को डांप लेते कि हम नूह अलैहि सलाम की बात को नहीं सुनेंगे। सिर्फ 40 लोग 950 साल में मुसलमान हो गए। इस कौम को समझाना, आप तो मुसलमान है ना, आपकी बात ही ना करें। ये बच्चे चलो ले लो, कुछ बिगड़े होते हैं, बच्चे ले लो आप, इतना मर्दी सुझा ले, 10 साल स्कूलों में पढ़ते हैं मैट्रिक तक, फिर कॉलेज में चले जाते हैं। हम समझते हैं हमारे बच्चे तलीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो बदमाशों के साथ बदमाश बन गए। ये बड़ा मुश्किल काम है कौमों को, लोगों को समझाना, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बड़ी मुश्किल से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए। आप सजदे में जाते हैं, ऊपर उजरी कर दिया आपको, माजला मजनू और पागल और शायर और क्या क्या नहीं कहा गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में आयत मुबारका नाज़िल फरमाई, फरमाएंगे नज़ीर काफर हूँ, ऐ प्यारे पैगंबर, ये जो लोग काफर हो गए, सवाउन अलैहि व अंज़रता हूँ अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, आप अगरचे पैगंबर हैं, आपकी बातों में चाशनी है, लेकिन इनके कानों में ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं कि आपकी ये मोहब्बत भरी आवाज भी इनके कानों से निकल कर इनके दिल और दिमाग तक सरायत नहीं करे। ये पैगंबर की मेहनत है, आप सिर्फ नारों तक ना इसको रखिए कि आपने नारा लगाया, मैंने लगाया तो कामयाब। ये मिलाद मुस्तफा का बेहतरीन पैगाम आपके सामने रख रहा हूं, तबलीग का सिलसिला आगे बढ़ा, आपके सहाबा की तादाद बढ़ी, काफिरों ने आपके सहाबा को मारना शुरू कर दिया, कोई एक सहाबी भी मुमकिन ना हुआ, बिलाकर रसूल करीम के कत्ल के मंसूबे बजाए जाने लगे। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाकर उनसे मुख्तर
भी भीगे बहानों में मुशावरत चलने लगी, मीटिंगें होने लगी कि इस रसूलुल्लाह से किया क्या जाए। 3 साल तक उन्होंने बाइकॉट किया, खाने पीने की कोई चीज मेरे रसूलुल्लाह की बारगाह तक पहुंचने न दी। आपने पत्ते खाए, दफ्तों के पत्ते खाए, चमड़ा मुंह में रखकर उसको हफ्ता हफ्ता चूसा, और इस भूख और प्यास के आलम में मेरे आका करीम ने 3 साल का अरसा गुजारा। अब गुजारे 2 दिन, सुबह का नाश्ता लेट हो जाए तो हमें रसूलुल्लाह की सीरत के सारे पैगाम भूल जाते हैं, कोई गाली निकाल दे आका करीम की तालीम भूल जाती है, कोई हमें गुस्से से बात कर ले तो मस्जिद से नमाज पढ़ के आया हूँ अभी वुज़ू भी नहीं टूटा, सब भूल जाते हैं, हमारी अनाएं रसूलुल्लाह की तालीमात से आगे निकल जाती है। ये बात किसने सिखाई है? ये बात आपने सीखी है और हमने आपको ये बात सिखाई है कि तबलीग का सिलसिला आगे बढ़ा। अबू तालिब के पास चले गए वो लोग, कहने लगे अपने भतीजे को रोक लो। अबू तालिब ने कहा कि प्यारे भतीजे मोहम्मद, लोग आपके लिए ये बात जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मिलाद मुस्तफ़ा का हिस्सा है, लेकिन आपको बड़ी इसलिए नहीं लग रही होंगी कि शायद आप समझ रहे हैं कि कोई लच्छेदार तरीके हो, तो शेर शुरू पड़ेंगे, शेर शुरू मैं इतने लगाऊंगा, सीधी सी बात कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उन्होंने प्रोग्राम बनाए कत्ल। अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चले गए, कहा भतीजे को समझाओ। आपने कहा कि मैं बात करके आता हूँ। अपने भतीजे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मोहम्मद ये जो बात कहते हैं आप बात मान लें। तो पता है काफ़रीन ने क्या फरमाया? फरमाया कि अगर ये आसमान से मेरे एक हाथ में लाकर सूरज रख दें और दूसरे पे चांद रख दें, मैं फिर भी अल्लाह के दीन की तबलीग को नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने आफर की, आफर करते हैं हम आपको मक्का का और अरब का मुश्तरका बादशाह बनाते हैं। मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम मक्के का बादशाह बनाते हो, मेरे आका मेरे रब ने मुझे 2 जहानों का बादशाह बनाया। मैं भी ग्रेड होने आया, मैं तो अपने मर्तबे को बुलंद करने के लिए आया। उन्होंने कहा सारी दुनिया का माल जितना हमारे पास अरब का माल है सारा आपको देते हैं, आप तबलीग छोड़ दें। मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरे रब ने मुझसे फरमाया है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो पहाड़ को सोना बनाकर जहां आप चले आपके पीछे पीछे चलाएं। मैंने अपने रब से कहा रब्बे कायनात तू तबलीग से राजी हो जाए, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा ये आफर भी नहीं, तो फिर आप ऐसा करें अरब की खूबसूरत जिस औरत के साथ आप निकाह करना चाहते हैं हम आपका निकाह करते हैं। मेरे आका करीम ने फरमाया अगर ये बात मुझे पसंद होती तो अपनी उम्र से 15 साल बड़ी खदीजतुल कुबरा से मैं कभी भी निकाह ना करता, मुझे ये भी ख्वाहिश नहीं। कहा तुम चाहते क्या हो? कहा यही चाहता हूँ वह कलीमतुल्लाही अल-उलिया, सिर्फ अल्लाह का फरमान बुलंद होगा, उसका निजाम बुलंद होगा, बाकी तुम्हारे सारे बनाए बुत ये गलत है और मैं हमेशा ये कहता रहूंगा और इसी पे डगा रहूंगा। फिर उन्होंने अगला प्रोग्राम बनाया, कहा ऐसे कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसा करें हमारी कौम में बड़े इख्तलाफ पैदा हो गए, आप ऐसा करें कि एक दिन हम आपके दीन के मुताबिक चलेंगे और एक दिन आप हमारे दीन के मुताबिक चलेंगे। या का करीम को आप नहीं दिया इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इंतजार करने लगे तो रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में फरमा दिया कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ऐ पैगंबर इन काफिरों से कह दो जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, और जिनकी मैं जिस रब की इबादत करता हूँ तुम उसकी इबादत करने वाले नहीं हो। फैसला तुम्हारे लिए है लकुम दीनुकुम वलिय्य दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, मुझे मेरा दीन मुबारक हो, मैं अपने दीन पर कभी भी समझौता करने वाला नहीं। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे लगे, यहाँ तक कि आपको हिजरत करके मक्का छोड़कर मदीना में जाना पड़ा। जब आप मदीना में पहुंचे मदीना में कदम रखा तो वहां अब्दुल्लाह इब्ने उबै रईसुल मुनाफिकीन अपने सारी कौम को इकट्ठा करके कहता है ला तुनफिकु, कुरान मजीद आप सूरह मुनाफिकून पढ़े सिर्फ 11 आयात है 28 पारे की सूरत है, वो मुनाफिक पता क्या कहता है, कहता है ला तुनफिकु अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफदु वलिल्लाहि खज़ाइनु समावाति वल अर्ध वलकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ्तहून। ऐ काफिरों, ऐ मदीने के रहने वाले लोगों, तुम
तुम्हारे पास हिजरत करके रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मक्के से मदीने में आ रहे हैं, एक दवा भी उनके लिए खर्च ना करना, जब भूखे मरेंगे तो खुद ही चले जाएंगे। रब्बी कायनात ने अपने महबूब से फरमाया, उसे काफिर को पता ही नहीं है कि वलिल्लाहि खज़ाइनु समावाति वल अर्द, ये आप पर रुपया खर्च नहीं करेंगे, रब्बी कायनात ने जमीन और आसमान के खजाने किन के लिए रखे हैं, तुम्हारे लिए सारे जमीन और आसमान के खजाने रखे। तो रब्बी कायनात ने कि प्यारे महबूब ने यहाँ तक तब्दील की, फिर बदर में वो पीछे हैं, उहद में आपके पीछे हैं, फिर गज़वा अहज़ाब में आपके पीछे हैं, तो उन्होंने काफिरों ने जान नहीं छोड़ी। मुख्य बात कि 40 साल तक मेरे आका करीम ने अपना किरदार पेश किया है इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए, और 23 साल तक अपनी नबूवताना सरगर्मियां पूरी की पूरी पेश की है ताकि ये कौम राह हिदायत पर आ जाए। और आका करीम के मीराद का मकसद ये है कि हम अपने आका करीम से वादा करते हैं, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जितनी जिंदगी अपनी तबलीग में गुजारी है, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी और आपके रब की नाफरमानी नहीं करेंगे और हम आपको और आपके रब को राजी करेंगे। यही मिलाद-ए-मुस्तफा का पैगाम है। रब्बी कायनात हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।